जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। अपने घर में इन वस्तुओं को यहां पर ना रखें, आ जाएगी बहुत बड़ी विपत्ति। अब आपने मेरी दो बातों को सुना और आप सोच में पड़ गए कि यह क्या बताने जा रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोज कई बार व्यक्ति देख लेते हैं और उनका दिमाग भी अस्त व्यस्त होने लग जाता है। ऐसा ना करें, वैसा ना करें, अन्यथा यह हो जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नकारात्मक चीजों को दोस्तों कभी ना अपनाएं। ये जो नकारात्मक चीजें हैं, यह जब आप अपना लेते हैं तो आपका जीवन अपने हिसाब से नहीं चलेगा। फिर कमांड उसे कहां से मिलेगी जहां से ये नकारात्मक चीजें बताई जाएंगी। अब आप उसका समाधान खोजने के लिए पूरा जीवन लगा देंगे लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा। एक का प्रश्न आ रहा था, गुरुजी अब हर व्यक्ति यही कहता है कि मंत्र जप करें, बिना गुरु के करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गुरु का अर्थ होता है कि जिस जगह पर हम अटक जाएं उसका रास्ता बताते हैं, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसको हम गुरु मानते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या हर कार्य जब करेंगे तो हर कार्य में हमें यदि नहीं पूछा गुरु से तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा अपने मन से काम लिया करें दोस्तों, करें आप कुछ भी। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। मैं किसी को भी प्रणाम करूं, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, या जो भी मेरे से बड़े हैं, किसी को भी करूं, फिर मेरे देव हैं भोलेनाथ, मैं प्रणाम करूं, सर झुकाता हूं उनके चरणों। अब यहां पर मुझे मार्गदर्शन क्या चाहिए, और यदि यह करेंगे बिना गुरु के तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अपने मन से काम ले लिया करें, और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो कर लिया करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैंने सबसे पहले जब मैं मंत्र के बारे में बता रहा था कि यदि एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही लिमिट समय में या मंत्र एक या एक माला करते हैं तो उसका 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, एक समय निश्चित हो, ऐसा एक अनुशासन प्रिय यदि आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र सिद्ध होने लग जाते हैं। अब यह भ्रम पैदा हो गया कि अगर उस स्थान पे ना हो तो क्या करें।
सिद्धि के तो कुछ खास मतलब हुआ करते हैं, लेकिन मंत्रों से हम लाभ हर अवस्था में उठा सकते हैं। जैसे मैं बताता रहता हूं कि यह एक मंत्र ही पढ़ लिया करें, यह पांच मंत्र ही पढ़ लिया करें, लयबद्धता से दोहरा लिया करें। अब उसका अर्थ यह नहीं है कि उस एक मंत्र के लिए आप बैठ जाएं, आसन लगाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, ध्यान करें। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहां पर विषय हमारा शुरू होता है कि चलते फिरते मंत्र करने से क्या होगा। आप यहां पर भी भ्रम डाल दिया जाता है कि चलते फिरते मंत्र कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, उनसे क्या होगा। अब मैं इस भ्रम को आपके दिमाग से निकाल देता हूं दोस्तों। अब किसी ने कह दिया कि यह जो मंत्र होते हैं बड़े, जो मंत्र हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, इन्हें तो केवल वहीं पर करना चाहिए। अब दोस्तों मैं जा रहा हूं कहीं पर भी और मैं प्रकृति को देखता हूं, जहां पर पहाड़ हैं, झरने हैं, वृक्ष हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मैं ईश्वर की कला को देख करके और मैं उसके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूं। और यह कृतज्ञता के भाव हैं कि हे सब जगह पर विद्यमान परमेश्वर, सबके प्राणों में बसने वाले दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ देव स्वरूप, पापों को हरने वाले आप, सबको प्रकाश देने वाले और खुद भी प्रकाशमान आप ही हे प्रभु धारण करने के योग्य हैं। और आप मुझे भी ऐसी बुद्धि दें कि मेरी बुद्धि भी सही रास्ते पर चलती रहे। अब ये शब्द मैं कहीं पर भी बोल सकता हूं ना, सोचिए आप इस पर गौर फरमाइए। मैं इन शब्दों को कहीं पर भी बोल सकता हूं ना, हाँ बोल सकता हूं, और एक बार नहीं 1000 बार भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा चित्त प्रसन्नता से भर गया है ईश्वर के प्रति। मैं उन्हें बार बार में धन्यवाद करने को मेरा जी चाहता है, तो मैं इसे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं तो फिर इसे किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, आप चाहे जिस भाषा में बोलें। और फिर किसी भी भाषा में बोल सकते हैं तो फिर संस्कृत में क्यों नहीं। अब संस्कृत में इसको यदि बोला जाएगा तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत में हम यह बोलेंगे तो बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, और उसे एक बार नहीं 1000 बार बोल सकते हैं। ये मंत्र है, अब इसको मंत्र बन गया ये, तो ये है मंत्र। हमारे दिल के उद्गार हैं जो शब्दों के द्वारा किसी भी भाषा में प्रकट हो जाते हैं। आप सोच लेते हैं कि यह संस्कृत का ऐसा मंत्र है जिसे हम कहीं भी नहीं बोल सकते, कहीं पर भी बोल सकते हैं। अब सब खुशहाल रहें, सुखी रहें,
कोई रोगी ना रहे, सब में अच्छा ही देखें हम, सब अच्छे रहें, सबका कल्याण हो। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को दुख पैदा हो, हम किसी के दुख के भागीदार ना बने। अब इसे हम किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोल सकते हैं, और संस्कृत में यदि बोल दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत में बोल दिया, आपने सोचा अब यह तो मंत्र ऐसा हो गया कि इसे आप हर जगह कैसे दोहरा सकते हैं। मंत्र है, आप इसको कभी भी कितना भी कितने भी बार दोहरा हैं। किसी भी देव के लिए ओम नमः शिवाय, हम भगवान को नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम कभी भी किसी भी तरीके से भगवान को नमन करते हैं, तो कहीं भी कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आधी रात को भी नींद खुल जाए, तब भी आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से करें, कभी भय ना माने, कभी अपने मन में यह डर पैदा ना करें कि ऐसा करने से यह हो जाएगा, वैसा करने से यह हो जाएगा। इन बातों की तरफ जीवन में कभी ध्यान ना दें। अल्टीमेट ज्ञान नकारात्मकता का विषय जल्दी से नहीं बताता है। आप केवल सकारात्मक सोचें, अच्छे भाव पैदा करें, कभी भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते आप मंत्र दोहराएं, गुनगुनाएं, लयबद्धता से दोहराएं, और उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आप इस बात को भी सोच लेना दोस्तों, अति उत्तम है, करें। मैं तो बार बार में बताता रहता हूँ, ये 5 मंत्र ही लयबद्धता से कर लिया करें, यह 2 मंत्र ही लयबद्धता से कर लिया करें, 1 मंत्र ही कर लिया करें। यदि आप इस प्रकार से करने लग जाएंगे तो आपका समय भी बच जाएगा, आपको माला की जरूरत भी नहीं रहेगी, दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और दोस्तों अच्छा परिणाम आएगा, आपके मन मुताबिक परिणाम आएगा। जिस मंत्र का जो उद्देश्य है, जो उसके भाव हैं, उस भाव के अनुसार ही फल मिलने लग जाएगा। करें, इसका फायदा भी जरूर उठाएं। अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को, ना बताएं तो कोई बात नहीं, आप कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।